नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यादव गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, बहुत बुरा समय चल रहा है और ये कोरोना वायरस का जो बीमारी आई है फ्रेंड, इसके बचने के लिए आप जो उपाय बताए जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और घरों से बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। और आप लोग देख ही रहे होंगे टीवी पर जो जो चीज़ बताई जा रही हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए फ्रेंड। और बचाव ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही बचाव है फ्रेंड, कुछ भी समझिए फ्रेंड। और चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये इंग्लिश आईबी है, बहुत ही अच्छा प्लांट है, इंग्लिश आईबी है ये। और ये जो प्लांट है ये भी सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड ये। और ये फ्रेंड, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये प्लांट लटकता है नीचे को, तो अच्छा लगता है। और ग्राउंड फ्लोर के लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई दीवार ऐसी हो इस पर आप इंग्लिश आईबी चढ़ा दीजिए तो क्या करते हैं ना, वो दीवार को पूरा कवर कर लेती है ये, जैसे घास होती है ना इस तरह से कवर कर लेती है। आपने बाहर देखा होगा, विदेशों में देखा होगा कि पूरी इसको दीवार पे चढ़ी होती है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा ये इंग्लिश आईबी है और ये बहुत अच्छे चलने वाला परमानेंट प्लांट है फ्रेंड। और एक तरह से वाइन भी कह सकते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड। और चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसका शुरू में देखते हैं इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं पहले फ्रेंड। इसकी मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी है, जो हम और भी प्लांट लगाते हैं सैकुलेंट, क्योंकि इनमें जो मिट्टी तो हम प्लांट के लिए बनाते हैं, वही एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो हम पानी डालें वो पानी नीचे निकल जाए, यानी कि बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, उसके अंदर रेत मिलाइए। जो हम सारी मिट्टी का बनाते हैं सैकुलेंट का जो मिट्टी बनाते हैं, वही मिट्टी आप इसमें यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा प्लांट चलेगा। अगर आपके पास रेत और वो नहीं है, डस्ट वगैरह, रेत जो होती है रिवर सैंड नहीं है, तो आप मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें क्या है, आप 40% मिट्टी लीजिए और ये 20% अपना कोकोपीट और 40% ही अपना रिवर्स एंड। उसके पास आप फ्रेंड इसमें थोड़ा फंगीसाइड के लिए, जो आपके पास फंगीसाइड पाउडर है उसको मिला लीजिए, टाइकोडर्मा है और सैफ है, बहुत चीज़ फंगीसाइड पाउडर आते हैं जो आपको अच्छा लगता है यूज़ करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हो आपको मिले उसको आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं ठीक है। तो उसको ये रहेगा इनकी, क्योंकि इसमें होता है ना, ये प्लांट सैकुलेंट प्लांट में एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, रूट में फंगस लग जाती है और वो रूट काली होकर बिल्कुल सड़ जाती है, तो इसको हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, गर्मी में थोड़ा ये डोरमेंसी में चले जाता है, मगर सर्दियों में सॉरी और गर्मी आते हैं ये अपने जो नई नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देता है फ्रेंड। देखिए इसमें नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। और फ्रेंड इसमें क्या होता है, ये इसको क्या धूप अच्छी नहीं लगती, कहते हैं ना धूप, बिल्कुल धूप का प्लांट नहीं है ये, सेमी शेड में रखने प्लांट है, शेड में रखना है आपको, ये नहीं है कि बिल्कुल इसको रख लेंगे ऐसे, क्योंकि ऐसा एक प्लांट है ये हल्की सी रोशनी में भी बहुत चलता है। अगर आपके अगर रूम में रखा हुआ है, रोशनी है ट्यूबलाइट की या बल्ब की रोशनी है, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इसको आप अपने अंदर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर दोनों जगह आप इसको रख सकते हैं फ्रेंड। और जैसे लगता है कि जैसे वीकली इसको आप एक घंटे की धूप, आध घंटे की एक घंटे की धूप दिखा दें तो बेस्ट है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो पत्तियाँ पीली पड़ के बिल्कुल गिर जाएगी, इसमें ध्यान रखना है, पानी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी डालना, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं फ्रेंड बिल्कुल नीचे गिर जाएंगी ये पीले होके। और बहुत अच्छा प्लांट है, कटिंग से बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है फ्रेंड। ये देखिए मैंने क्या की थी, इसमें ये कटिंग लगा दी थी, देखिए मैंने ये कटिंग लगाई थी, बहुत छोटी सी लगा दी थी, ऐसे तोड़ के ऐसे ही तोड़ के लगा देते थे यहाँ से, तो यहाँ से मैंने इसको लगा दिया था, देखिए यहाँ से दूसरी टूटने के लिए। और फ्रेंड इसमें मैंने
इसमें था एक प्लांट था, इससे मैंने दो प्लांट बना दी। देखिए एक तो इस मैंने इसमें लगा दिया, इस वाले में लगा दिया अलग है, और मेरा ये है अलग है। तो ये एक ही प्लांट था और मैं 60 रुपीज़ का लेके आई थी। तो इसको मैंने मिट्टी बता दी फ्रेंड, पानी इसमें क्या डालना है आपको पानी का बता दिया मैंने। 2-3 दिन में जब देखा मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी डाला। इसको क्या होता है ना, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला लेवल बहुत पसंद है, जहाँ पर थोड़ी चिपचिपाहट जैसी मिट्टी रहती है ना, हर जगह पानी सा रहता है थोड़ा, वहाँ पर ये अच्छा चलता है। तो इसको जैसे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो आप इसको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बस एक जहाँ इसको रखना है नीचे, इसके नीचे ट्रे लगानी है, ट्रे में पेबल्स डाल दीजिए कुछ टुकड़े इसके पत्थर के, उसके ऊपर एक गमला रख दीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए, क्योंकि जिसकी ह्यूमिडिटी लेवल है उसका मेंटेन रहेगा और इसको मॉइस्चराइजर मिलता रहेगा। जब मिट्टी मॉइस्चराइज रहे, मिट्टी देखिए मिट्टी इस तरह से रहनी चाहिए, मिट्टी में देखिए हल्का गीलापन है, ये इसके लिए बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा सूखा नहीं हो, इससे ज़्यादा गीला ना हो, ये चलेगा, इतना होना चाहिए। अगर बिल्कुल ये नहीं कि रोज़ रोज़ पानी नहीं डालना, आपने 2 दिन में देखना, 3 दिन में पानी, अगर मिट्टी ऐसे ड्राई है इतनी तो चलेगा। ज़्यादा नहीं कि पानी है इसमें, पानी है तो मैं और डाल दूँगी पानी, ऐसा नहीं है। जब मिट्टी देखिए इसकी दिखाती हूँ मिट्टी आपको, देखिए ये मिट्टी, ये देखिए इसमें मैंने रेत का मिक्सर बनाया हुआ है, इसको मिट्टी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड कितनी ड्राई मिट्टी है, ये देखिए इतनी भुरभुरी मिट्टी, इसमें मैंने रेत मिला रखा है जो मैंने अभी आपको बताया है, इसका सारा वो है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है अभी, इसको मैं पानी डाल दूंगी। और ये देखिए इसमें अभी, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए इतनी मॉइस्चर है, इतना है, थोड़ा सा इसको ना गीलापन हल्का सा पसंद है, ज़्यादा सूखा भी नहीं और ज़्यादा गीला भी नहीं, बीच का जो होता है ना वो पसंद है इसको। और इसको आप कोई अलग से खाद देने की जरूरत नहीं है, आप इसे 6 महीने में आप कुछ मत दीजिए, काऊ डंग दे दीजिए, जो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और हल्का सा आपके पास अगर 1919 है एनपीके तो उसमें आप बहुत पानी इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, डाल के इसमें पानी डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट देना नहीं है तो आप फॉल स्प्रे कर सकते हैं, इसमें स्प्रे कर दीजिए तो ही बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें और ऐसा कुछ नहीं कि आप उसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी हो, स्पेशल खाद हो, कुछ नहीं देना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, काउडंग दीजिए आप, बस काउडंग 2 बार 6 साल में उसको आप दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और उसकी कोई अलग से इसके लिए खास तैयारी नहीं है कि आप कुछ अलग खास कुछ करना है, कैसे लगेगा पता नहीं, नहीं लगेगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा प्लांट है, मरता बिल्कुल भी नहीं है ये। और एक बार लगाएंगे, एक बार से इसमें हजारों गमले बना सकते हैं आप, छोटी छोटी सी कटिंग लगा लगा। देखिए मैंने यहाँ से किया, यहाँ से कटिंग तोड़ी थी, देखिए फ्रेंड यहाँ से 2 जगह कितना अच्छा फूटा हुआ है, देखिए नया नया निकल रही है ना, इसमें न्यू लीव्स निकल रही है फ्रेंड, बहुत अच्छा है। और ये क्या होता है ना, ये बहुत ही तरह की आती है, मेरे पास एक ही है जो वेरिकेटेड है, इसमें एक ग्रीन है और एक बिल्कुल डार्क ग्रीन होती है, उसमें बिल्कुल ग्रीन है, एक बिल्कुल एक वन लाइन होती है इसमें, देखिए जैसे है ना इसमें साइड में ये देखिए वेरिकेशन है इसका, तो एक है बिल्कुल एक लाइन में, एक लाइन होती है इसमें, जैसे बीच की लाइन है ना ये ऐसी लाइन होगी बीच की, उसमें सिर्फ धारी होती है वाइट वाइट सी, एक ग्रीन होती है ग्रीन में सिर्फ आउटलाइन वाइट आती है, बहुत तरह की होती है फ्रेंड। और उसको क्या होता है, अगर इसको क्या थोड़ा सा अगर बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे ना उसको, तो इसको क्या होता है इसकी पत्तियों कलर चेंज हो जाएगा आपको, ये पत्तियाँ बिल्कुल हरी हो जाएंगी आपकी, जो हरी वाली ये आती है ना इंग्लिश चाय भी, उसके जैसा हो जाता है, जैसे ये है ना जैसे हरा, ये देखिए जैसे हरी पत्ती ना ऐसे हो जाएगी ये, तो ये इसका जो वेरिकेशन है जो वो चला जाएगा। जो बिल्कुल अंधेरे में रोशनी चाहिए ना, हल्की रोशनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरापन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ये। और जहाँ हल्की धूप ना आती वहाँ रखिए, और हैंगिंग बास्केट में सबसे बेस्ट आपने लगा दी, 2-3 दिन में इसको पानी दीजिए, बहुत अच्छा प्लांट चलेगा आपका। और ये इंग्लिश आई भी आपकी अब गार्ड आ रही है, अब इसमें नर्सरी में अवेलेबल है, आप लोग लेके आइए फ्रेंड, अभी मत जाइए क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस का ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, 31 मार्च तक सभी कुछ लॉकडाउन कर रखा है, उसको अप्रैल में आप नर्सरी से इसको ले सकते हैं और लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है। और ये मेरी इंग्लिश आई भी आपको कैसी लगी और इसके बारे में ज़रूर बताइए फ्रेंड, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।